अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए आज हम जो हैं 26 जनवरी का मौका है और जो है हमने सोचा है कुछ बाहर निकला जाए, घूमा जाए। देखिए हमारे साथ जो है ये परवेज बाबू हैं और उधर जो हमारे अब्दुल वाजिद साहब हैं और हम लोग जो है देखिए कि खेत का नज़ारा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पूरा हरियाली जो है, हम लोग सलाम कर लीजिए ज़रा। अस्सलाम। देखिए जो है माशाल्लाह, वाकई में किसी ने कहने वालों ने कहा है कि हरियाली जो होती है इंसान को जो है दिमाग खुश हो जाता है। देखिए ना पूरा सरसों खेत चारों तरफ जो है, देखिए आपको जो है नजर आएगा। इस खेत को देखते हुए जो है हम आपके सामने एक वाकया बयान करते हैं, सुनिएगा जरा। हाँ, तो वाकया ये है कि एक मरतबा जो है एक किसान जो है अपने खेत के अंदर हल जोत रहा था। हल जो जैसे ही जोत रहा था तो अचानक जो उसके खेत में जो है भालू आ गया। अब जैसे ही भालू आया तो भालू जो है किसान को मारने के लिए उसको झपट रहा। किसान ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ, एक काम करो कि हर इस खेत के अंदर जो है जो कुछ हम बोएंगे और इसमें से तुम्हारा जो दिल चाहे खाने का वो हम तुमको खिलाएंगे। भालू ने कहा कि ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो है हमें जो है ऊपर का हिस्सा हमारा होगा और नीचे की जो फसल होगी ज़मीन के अंदर वो तुम्हारा होगा। कहा कि ठीक है। अब जब फसल तैयार हो गई, फसल तैयार होने के बाद जो है भालू जो है फिर आ पहुंचा। और पहुंचने के बाद भालू ने कहा कि हाँ भाई, हमने जो वादा किया था और हमने कहा था कि जो है फसल जो नीचे की जो है वो तुम्हारी होगी, ऊपर का हमारा होगा। अब किसान जो है आलू उसमें बोया था। अब आलू बोने के बाद जाहिर सी बात है कि आलू ऊपर का जो हिस्सा होता है पूरा पत्ता होता है, नीचे आलू होता है। अब जो है भालू के हिस्से में जो है पत्ते नसीब हुए। भालू को गुस्सा बहुत आया। अब अगली मरतबा कहा कि देखो, अगली मरतबा किसान ने कहा कि जो है हम एक काम ये करते हैं कि हम जो है हमारा जो है नीचे का फसल हमारा होगा और ऊपर का फसल जो है तुम्हारा होगा। तो किसान ने कहा कि ठीक है, हम राजी हैं इस बात पर, हमें खुशी है। तो इसमें तो किसान ने क्या किया कि अपने खेत के अंदर जो है गेहूं बो दिया। जैसे ही उसने जो है गेहूं बोया, फसल तैयार हो गई। फसल तैयार होने के बाद जो है जो बात हुई थी और जो वादा, उसी पर कि जो है नीचे की जो फसल होगी वो भालू के हिस्से में आएगा, ऊपर का जो है किसान को होगा। तो जाहिर सी बात है कि गेहूं जो है ऊपर के हिस्से में आता है और नीचे जो है पूरा जर होता है, उसमें कुछ मिलता ही नहीं। तो भालू के हिस्से में इस मतलब फिर जो है जर ही नसीब हुआ, कुछ मिला नहीं उसको। इसमें तो भालू को बहुत गुस्सा आया। उसने एक सोचा भालू कि इस मरतबा जो किसान को अच्छा सबक सिखलाना है, सबक ये सिखलाना है कि करना ये है कि इसमें तो उसने ये कहा कि नीचे का फसल जो हमारी होगी और ऊपर का फसल भी जो है हमारा होगा, अब बीच की जो फसल होगा वो तुम्हारा होगा। तो किसान जो इस मरतबा फिर खुशी राजी हो गया कि ठीक है, हम राजी हैं इस बात पर। इस मरतबा किसान ने क्या किया कि अपने खेत के अंदर जो है गन्ना बो दिया। अब जब गन्ना बोया, गन्ना तैयार हुआ, तैयार होने के बाद जब भालू फिर आया, कहा कि हाँ भाई, इस मतलब हमने कहा था कि ऊपर का हिस्सा हमारा, नीचे का भी हिस्सा हमारा, बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। कहा कि ठीक है। तो अब इस मतलब देखिए कि भालू के हिस्से में फिर पत्ते आए। आपने देखा होगा गन्ना के ऊपर जो सबसे ऊपर हिस्सा वो पत्ता होता है और नीचे जो उसकी जड़ होती है जो ज़मीन के अंदर होता है। तो इस मतलब फिर भालू जो अपना सर पकड़ के रोने लगा। कहा कि वाकई में किसान बहुत होशियार है। तो आज इसी खेत का नज़ारा करते हुए हम पहुँचे हैं। तो अचानक ही वाकया याद आ गया, आपसे हमने शेयर किया है। बाकी आप देखते रहिए नज़ारा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।